निजामाबाद की इस मंडी में निजामाबाद, आदिलाबाद और करीम नगर, इन तीन जिलों के किसान अपनी हल्दी लेकर आते हैं। इन तीन जिलों में निजामाबाद के अलावा और भी छह छोटी मंडियां हैं जहां किसान अपनी हल्दी लेकर जाते हैं। लेकिन पिछले दो साल में जब से निजामाबाद में ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू हुई है, देखा यह जा रहा है कि उन छोटी मंडियों के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इस मंडी में शिफ्ट हो रहा है और पिछले दो साल में यहाँ के आवक में 50% से ज्यादा इजाफा देखा गया है। निजामाबाद मंडी में ऑनलाइन बोली के असर की खूबसूरत कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले हम निजामाबाद मंडी के बारे में बताना जरूरी समझते हैं। निजामाबाद मंडी में तीन हल्दी क्षेत्रों आरनूर, निर्मल और जगतियाल के किसान अपनी उपज लाते हैं। आरनूर क्षेत्र निजामाबाद जिले के अंदर आता है, निर्मल क्षेत्र आदिलाबाद जिले के और जगतियाल हल्दी क्षेत्र करीम नगर जिले में आता है। ये तीनों मिलाकर निजामाबाद मंडी में चारों तरफ से करीब 150 किलोमीटर के इलाके की हल्दी आ जाती है। आरनूर में सबसे पहले मई के आखिरी और जून के पहले हफ्ते में बुआई होती है और दिसंबर आखिर या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ की हल्दी सबसे पहले बाजार में आ जाती है। निर्मल क्षेत्र में इसके 2 से 3 हफ्ते बाद बुआई होती है और जगतियाल क्षेत्र में उसके भी 2-3 हफ्ते बाद बुआई शुरू होती है। इस लिहाज से निर्मल की फसल फरवरी के पहले हफ्ते में और जगतियाल की हल्दी मार्च के अंतिम हफ्ते या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में बाजार में आ जाती है। इन तीनों क्षेत्रों में निजामाबाद जिला बारिश की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित है और इसीलिए यहाँ की पैदावार में 30-60% की कमी रहने की आशंका है। निर्मल क्षेत्र में बारिश की स्थिति कुछ बेहतर रही है जिसके कारण यहां पैदावार 25% तक ही कम रहेगी। वहीं जगतियाल क्षेत्र में निर्मल के मुकाबले बारिश थोड़ी और बेहतर हुई है, इसकी वजह से यहां की पैदावार पर असर सिर्फ 10% तक ही देखा जा सकता है। 1967 में पैदावार 10 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ थी जबकि भाव 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल। अब औसतन पैदावार 20 से 24 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है और भाव भी 8000 से 9000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। इस साल हुई कम बारिश के कारण उत्पादकता केवल 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ रहने की संभावना है, लेकिन उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी आने की स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि पिछले साल बेहतर भाव मिलने के कारण इस बार रकबा काफी बढ़ गया था। इसीलिए निजामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर जिले के तीनों हल्दी क्षेत्रों में औसतन 13 से 14 लाख बोरियों की जगह 10 से 11 लाख बोरियों की आवक होने का अनुमान पक्का दिख रहा है। अब तक आप निजामाबाद मंडी से पूरी तरह वाकिफ हो गए होंगे और इस समय की परिस्थितियों से भी। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस मंडी के ऑनलाइन होने से यहाँ के किसानों की आंखों में चमक बढ़ गई है। दरअसल निजामाबाद मंडी में ऑनलाइन बोली के असर की कहानी खोजने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस किसी से भी 2 साल पहले के हालात की चर्चा कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह एक छोटी सी तकनीकी पहल ने यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। चाहे किसान हो या कारोबारी, कमीशन एजेंट हो या फिर मंडी समिति के अधिकारी, सबके पास इसके फायदों का बखान करने की अपनी अपनी वजहें हैं। पहले से बेटर है इसका, लेकिन वो तो पहला क्या करता है इसको, ऑनलाइन नहीं है ये, पूरा दुकान वाले को बुला के और खरीद वाले को बुला के ये कुप्पा कुप्पा को ऐसा खरीद करने वाला था, लेकिन अभी नहीं है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में जो है से पहले थोड़ा ये 15 दिन का पहले पैसा देना था, लेकिन उसको एक आदमी भाग जाता था उसको दुकान वाला, इसलिए हम लोग क्या किया, तुरंत पैसा देना है तो अच्छा ऐसा बोल के मैं बोल दिया उसका, फिर तो पहले नहीं था ऐसा। अभी 2 साल पहले ऑनलाइन के पहले जब एक्शन होता था ओपन एक्शन, उस टाइम पर सब जगह बीट पहुंच नहीं पाता था, एक्शन नहीं पहुँच पाता था, आधा एरिया होता था आधा नहीं होता था, इसके लिए किसान लोग को 3-3 दिन वेट करना पड़ता था। वो सब जाके अब ऑनलाइन होने की वजह से अभी एक ही टाइम पर एट ए टाइम में जो सो सब किसान को भाव मिल रहा है, उससे किसान को बहुत फ़ायदा है। निजामाबाद, तेलंगाना स्टेट,
ఇక్కడ 2 సంవత్సరాల నుంచి ఆన్లైన్ విధానంలో పసుపు, మక్కలు, మొక్కజొన్నలు మరియు ఇతర దినుసులు కూడా ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ద్వారా వ్యాపార క్రయ విక్రయాలు జరుగుతున్నవి. ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ మార్కెట్ యార్డ్లో ట్రేడర్స్ ఎప్పటి నుంచి అయితే పాల్గొంటున్నారో ఆ రోజు నుంచి రైతులకు చాలా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వ్యాపారస్తులు సిండికేట్ కాకుండా మరియు ఒకే రోజు లోపల రైతులు తీసుకొచ్చినటువంటి సరుకులను అమ్ముకొని వెళ్ళుచున్నారు. మరియు 7-8 రోజులు జరిగేటటువంటి మార్కెట్ యార్డు ఈరోజు రైతు ఒకే రోజులో తన తీసుకొచ్చినటువంటి సరుకులను జల్దీ భుగతాన్ ఔర్ వ్యాపారియో కే సిండికేట్ సే బచావ్ జైసే ఫాయదో కే అలావా ఆన్లైన్ బోలియా లగ్నే కా ఏక్ బడా ఫాయదా కిసానో కో బెహతర్ భావ్ మిల్నే కే రూప్ మే సామ్నే ఆయా హై. క్యోంకి అబ్ కిసి కారోబారీ కో యే పతా నహీ హోతా కి ఉస్కా ముకాబలే వాలా కితనా భావ్ కోట్ కర్ రహా హై. ఐసే మే వో అప్నీ జరూరత్ కి గుణవత్తా వాలే మాల్ కి ఖరీద్ సునిశ్చిత్ కర్నే కే లియే హమేషా 250 జ్యాదా కా హీ రేట్ లగాతా హై ఔర్ ఇస్సే కిసాన్ కో हमेशा अपनी उपज के लिए अधिकतम भाव हासिल हो जाता है. हमारे यहाँ पे लास्ट 1 ईयर से इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग का टेंडर का काम चालू हुआ है. इसके पहले आपस में मिलना जुलना व्यापारी कम ज़्यादा भाव में चला जाता है. बहरहाल जब से इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग हुआ है इससे किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, मैक्सिमम लोग का टेंडर गिरता है. इसके पहले 2-4 आदमी भी रहे तो ऑक्शन में ख़त्म हो जाता था. बहरहाल अभी मैक्सिमम जितने भी हमारे यहाँ बायर है सब जने जाके हर एक का उसके ऊपर नज़र रहता है, तो उससे क्या है किसान को प्रॉपर रेट आता है, किसान को बेहतर भाव मिलने लगा है. साथ ही किसान को अपनी उपज की गुणवत्ता का महत्व धीरे धीरे पता चलने लगा है. इससे किसान अपनी उपज को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से करके कारोबारी को बेचने की कोशिश करने लगा है.